एक बड़ी तख्तमकन से एक लड़की की चीख सुनाई देता है। ये चीख सुन के एक बूढ़ा आदमी जैसे ही मकान में घुसने के लिए जाता है, उनको दिखाई देता है एक लड़का उस मकान से निकल के भाग रहा है। जैसे ही बूढ़ा आदमी मकान के अंदर घुसा, वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसको बुरी तरीके से पत्थर से भून दिया गया है। दिस इज इनह्यूमन्स। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी की माटीगरा, जो पर्वत और टी गार्डन से घिरा हुआ एक सुंदर जगह है। ये जगह शांति और सौंदर्य के लिए जाना जाता है, मगर कुछ सालों में यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही बढ़ गया है। मेन मीडिया चैनल्स यहाँ पर स्टोरीज को कवर नहीं करता है, मगर लोकल न्यूज चैनल्स की वजह से ही लोगों को ये खबर मिल ही जाता है। ऐसे ही है ये कहानी है मोहम्मद अब्बास और दिया पदानी की। 21 अगस्त 2023 सोमवार, दिया प्रधान एक 17 साल की लड़की जो सिलीगुड़ी की नेपाली कल्याणी स्कूल में क्लास 11 में पढ़ती थी। दिया की एक दोस्त था मोहम्मद अब्बास, जिसका उम्र था 21 साल। 21 अगस्त सोमवार के दिन दिया अपने स्कूल के बाद घर जाने के लिए जैसे ही निकला, मोहम्मद अब्बास उसका बाहर वेट कर रहा था। दोनों में कुछ देर बातचीत हुई और दोनों एक साथ चले गए। नॉर्मली दिया स्कूल के छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के बाद घर के लिए रवाना होती थी, इसीलिए अगर कुछ समय देर भी हो जाता है तो उसका पेरेंट्स उसके ऊपर कभी संदेह नहीं करेगी। किंतु दिया को क्या पता था कि आज वो घर नहीं लौट पाएगी। उस दिन शाम को शहर से दूर एक एबंडेंट इलाके में एक मकान में एक लड़की की चीख सुनाई दी। ज्यादातर लोग इस आवाज को इग्नोर कर गए, मगर एक बूढ़ा आदमी बहुत बार ये आवाज सुनने के बाद बाहर निकल के उस मकान की तरफ बढ़े। मकान के सामने बहुत जंगल था और मकान का गेट जंग लगा हुआ था, इसलिए वो अंदर घुस नहीं पा रहे थे। उनका नजर दूर के एक लड़के पे पड़ा जो ब्लैक शर्ट पहना हुआ था, जो अब पाचिल के उस तरफ अपनी साइकिल को फेंक रहा था। साइकिल को फेंकने के बाद वो लड़का जल्द से जल्द निकल गया। बूढ़ा आदमी ने उस लड़के को देख के आवाज दी, मगर वो नहीं रुका। ये देखकर बूढ़ा आदमी जैसे मकान में घुसा, एक लड़की की लाश हुआ पर पड़ी हुई थी जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। लड़की स्कूल ड्रेस में थी और उसको किसी भारी चीज या फिर पत्थर से मारा गया था। उसकी पैर में भी कुछ मार्क्स थे। वो बुजुर्ग आदमी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने लड़की के पेरेंट्स से कंफर्म किया, हाँ ये दिया ही है। वो आदमी से पुलिस ने जब उस लड़के को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया। किंतु वो आदमी ने लड़के का टी शर्ट की कलर और साइकिल का डिस्क्रिप्शन पुलिस को दिया। जैसे ही पुलिस लड़के को खोजने के लिए मकान के गेट से निकल रहे थे, उनको उसी रास्ते के एक पोल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिला। सीसीटीवी चेक करने के बाद पुलिस को अपना कातिल मिल गया था। नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को अरेस्ट कर लिया। मोहम्मद अब्बास अपनी गलती को मानते हैं और अपनी जुबानी में कहते हैं, अब्बास स्कूल के बाद दिया को इस मकान में लेके आ रहा था और उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया था, किंतु जब दिया ने ना मानी, दिया चीख रही थी गुस्से में, अब्बास ने एक भारी पत्थर से दिया को भून दिया। जब अब्बास को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने जल्द से जल्द यहाँ से भागने के लिए कोशिश कर रहे थे, किंतु भागते हुए आसपास के कुछ नेबर्स और सीसीटीवी कैमरा में वो कैप्चर हो गया। अक्सर ये देखा जाता है छोटी भी किसी भी रिमोट गांव की कोई भी घटना को बड़ी किसी मीडिया हाउस कवर नहीं करना चाहता है, वह पर लोकल कोई भी न्यूज चैनल नहीं छोटे घटना को कवर करता है। सो ऑल थैंक्स टू देम।